हेलो स्टूडेंट्स, अब हम नया चैप्टर पढ़ेंगे और बड़ा लर्निंग चैप्टर है ये स्क्रैच। एक्चुअली स्क्रैच जो है बेसिकली ग्राफिकल सॉफ्टवेयर है ये, और फन फन में ही हमको लर्निंग करना है ये मान के चलो। अब ये प्रोडक्ट जो है MIT मीडिया लैब लाइफ लॉन्ग किंडरगार्टन का है, और इसमें बेसिक प्रोग्रामिंग कंसेप्ट और फन और इंटरेक्टिव मैनर बताएं। स्क्रिप्ट स्क्रैच कमांड्स और इंस्ट्रक्शन एग्जिट इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिकल ब्लॉक्स। यूजर राइट प्रोग्राम बाय ड्रैगिंग द रिक्वायर्ड ब्लॉक इनटू द स्क्रिप्ट एरिया एंड स्नैप देम टुगेदर लाइक द पीस ऑफ। ये देखो, ये है, यहाँ से कुछ चीज उठाओ और यहाँ बनाओ, ये इस एरिया में बनाओ। ये स्ट्राइप लाइट है, लिस्ट, ये मेनू बार है, ये टूल बार है। अब आपको एक्चुअली इसका प्रैक्टिकल अप्रोच भी बता रहा हूँ मैं। पहले इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या इसका यूज़ है। एक तो ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी है। ड्रैग एंड ड्रॉप मतलब क्लिक करो और छोड़ो, ड्रैग मतलब पकड़ो, जैसे इसको पकड़ा और इसको छोड़ा, तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी है। यूजर राइट प्रोग्राम बाय ड्रैगिंग द रिक्वायर्ड ब्लॉक्स इनटू स्क्रिप्ट एरिया। यहाँ लिखेंगे हम, यहां लिखेंगे और यहां से उठाएंगे। एंड स्नैप टेक देम टुगेदर लाइक द पीस ऑफ ऑल जिगोस पजल। स्क्रैच वॉज डिजाइन टू प्रिवेंट द कॉमन बिगनर्स पिटफॉल इन ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे आप लोगों के लिए काफी अच्छा है बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपको सीखना है, क्योंकि इसके बाद अब आपको इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो पाइथन है। तो पाइथन के पहले अगर आप स्क्रैच सीख लेंगे तो आप पाइथन जब करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है और उसमें भी दोनों फैसिलिटी है, कमांड लाइन आर्गुमेंट की फैसिलिटी भी है और ग्राफिकल की फैसिलिटी भी है। सो इंस्टेड ऑफ टाइपिंग कमांड, मतलब हमको टाइप नहीं करना, कमांड करके ड्रैग एंड ड्रॉप। प्रोग्रामिंग इन स्केच परफॉर्म बाय ड्रैगिंग एंड ज्वाइनिंग प्रोग्रामिंग ब्लॉक्स। द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस अलाउ यूजर टू इजिली कंट्रोल द वे इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड रिएक्ट टू इच अदर सिंस द प्रोग्राम इन रन इन रियल टाइम। दे कैन एडिट एंड टेस्टेड एनी गिवन मोमेंट इवन वाइल द प्रोग्राम इज रनिंग। मतलब इसमें चेक भी कर सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं चीज़ों को। दिस अलाउज यूजर टू इजिली एक्सपेरिमेंट विथ न्यू आइडियाज और रेपिडली टेस्ट देयर एनवायरमेंट। दिस मेथड ऑफ प्रोग्रामिंग इज रेफर टू हैज ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग और ड्रैग एंड ड्रॉप प्रोग्रामिंग। ये ध्यान रखने वाली बात है, ब्लॉक बेस्ड और ड्रैग एंड ड्रॉप। अब मैं आपको डायरेक्ट प्रैक्टिकल अप्रोच बता देता हूँ इसकी। ये स्क्रेच 2 मैंने ओपन कर रखा है। ये मेनू बार है, फाइल, एडिट, टिप्स। मैं आपको थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ। ये पूरा मेनू बार है, इसको मेनू बार बोलते हैं। ये पूरा टूल बार है, स्क्रिप्ट, बैकग्राउंड, साउंड, ये पूरा टूल बार है। और इस टूल बार के ऊपर ये डुप्लीकेट है, मतलब किसी भी चीज़ को डुप्लीकेट करना हो, किसी ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करना हो तो ये इस पर क्लिक करेंगे। जैसे मैं आपको बताते जाता हूँ। मान लो इस ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करना है, ये लिया, ये दो हो गए, ठीक है। ग्रो करना है, स्विंग करना है, ठीक है। ये आ गया ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे। फिर ये कट करना है, ये कट हो गया। मैंने ये चारों ऑप्शन बता दिए, डुप्लीकेट, कट, कट मतलब डिलीट, ग्रो और श्रिंक। ये मैंने चारों ऑप्शन बता दिए। ये पूरा टूल बॉक्स है। इस टूल बॉक्स में तीन चीजें, स्क्रिप्ट, प्ले साउंड, स्टॉप ऑल साउंड। धीरे धीरे साउंड की आवाज आएगी। ये मियाओ है, आप रिकॉर्ड करना चाहो तो रिकॉर्डिंग भी हो सकती है। ये बहुत बहुत माइन्यूट आवाज आ रही है, आप सुनना इसको, बहुत ध्यान से सुनना।
उस पे सुनना, हेडफोन पे सुनोगे तो आपको बहुत अच्छे से आवाज आएगी, फिर ये चलती रहेगी ये, और दोनों स्टॉप कर देंगे तो स्टॉप हो जाएगी। तो इसमें ये अच्छा, इसमें काफी सारी चीजें हैं, साउंड, लुक्स, मोशन, पेन, डेट, डाटा, सॉरी वेरिएबल लेना हो तो ये वेरिएबल का नाम लेना, एक एक चीज का। और पहले मैं आपको प्रैक्टिकल डिस्क्रिप्शन बता रहा हूँ, फिर थ्योरेटिकल बताऊंगा, इवेंट्स, कंट्रोल, सेंसिंग, ऑपरेटर्स, मतलब यहाँ ये सारी चीजें हैं तो आपको करने में आसानी जाएगी। मोर ब्लॉक्स, मेक ए ब्लॉक, ये ब्लॉक बनाया, एड एन एक्सटेंशन, ये सारी चीजें हमको यूज करना है, और पहले हमको पता तो पड़े क्या क्या चीजें हैं। अब स्टेज, ये स्टेज है, ये आपका स्टेज है, मतलब ये पूरा एरिया स्टेज है, पूरा प्रैक्टिकल तरीके से बता रहा हूं। फिर उसको और ऊपर कर देते अपन, ये थोड़ा सा 100% कर देता हूँ मैं। ये स्टेजेस, ये स्टेज, ये स्टेज आ गया, स्प्रिट लिस्ट, ये स्प्रिट लिस्ट, स्प्रिट लिस्ट में ये होता है जो आपके सिंबल है लोगो वो आता है, फिर स्टेज बैकग्राउंड ऑप्शन, इससे स्टेज बैकग्राउंड ऑप्शन आता है, फिर नई स्ट्राइप, न्यू स्ट्रिप ऑप्शन, ये यहाँ से, ये आपको जो भी लेना हो, एरोप्लेन लेना हो, ये एरोप्लेन आ गया। नई लेना, नई पेंट करना, पेंट में बनाना, पेंट में अगर कुछ करके करना हो तो ठीक है। न्यू स्ट्रिप ऑप्शन मैंने बता दिया, स्टेज बैकग्राउंड बता दिया, ये स्टेज बैकग्राउंड, अगर आपको नया बैकग्राउंड लेना तो यहाँ से ही है। ये नया बैकग्राउंड ले लिया, अब ये ब्लॉक डिस्क्रिप्शन एरिया और ब्लॉक पैलेट, ब्लॉक पैलेट और मैं दोनों बता देता हूँ। ये ब्लॉक पैलेट जो अपन ने देखा ना, ये पूरा ब्लॉक पैलेट है, और दूसरा क्या बताया था, ये ब्लॉक पैलेट और ब्लॉक डिस्क्रिप्शन एरिया, स्क्रिप्ट लिखी थी इसलिए ब्लॉक पैलेट। ये ब्लॉक पैलेट है और डिस्क्रिप्शन एरिया यहाँ आएगा, जैसे मोर ब्लॉक्स, ऑपरेटर्स, साउंड, ये डिस्क्रिप्शन एरिया है। ये मैंने फंडामेंटल बताया अभी, लुक, साउंड, पेन, इवेंट, कंट्रोल, सेंसिंग, ऑपरेटर, मोर ब्लॉक्स, ये साउंड। क्लिक करोगे तो साउंड जनरेट होगा। तो ये प्रैक्टिकल मैंने बताया पहला पार्ट, अब किस किस का क्या यूज है, स्प्राइड,
इसको शॉर्ट में लेते तो अपन देखते जाते क्या क्या है। ये स्प्राइट, स्प्राइट क्या बताता है? स्प्राइट इज अ कैरेक्टर इन स्केच दैट कैन बी मूव्ड एंड मेड टू द थिंग्स गिवन बाय स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शन। द स्केच कैट इज द डिफॉल्ट वैल्यू। ये इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है। डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब है ऑटोमेटिकली वो आती है या ऑटोमेटिकली आती है। तो ये स्ट्राइक है, मतलब डिफॉल्ट पहले यही रहती है। उसके अलावा नई स्ट्राइप लेना हो तो वो भी ले सकते हो, ये नई यहाँ से जो भी आपको लेना हो। स्ट्राइप्स कैटेगरीज दे रखी है, लेफ्ट साइड कैटेगरीज है, फिर थीम है एनिमल, फैंटेसी, लेटर, जो भी लेना हो, पीपल, थिंग, ट्रांसपोर्टेशन, केसल, सिटी, डांस, स्ट्रेस ऑफ फीलिंग, हॉलीडे, म्यूजिक, स्पेस, फिर बिट मैक, वेक्टर बनाना होता है। ये स्ट्राइप्स डिफॉल्ट कौन सी होती है, मैंने अभी आपको बताया कैट ही होती है। फिर नेक्स्ट है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट इज ए कलेक्शन ऑफ इंटर ब्लॉक्स इन द स्क्रिप्ट एरिया। एवरी स्केच प्रोग्राम इज मेड अप ऑफ वन और मोर स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट कंटेन इंस्ट्रक्शन टू कंट्रोल द एक्शन एंड बिहेवियर ऑफ स्प्रिट्स। ये स्प्रिट्स है, ये ब्लॉक्स बने ना, ये स्प्रिट है। देखो आपको ये तो स्प्रिट लिस्ट है और ये नई स्प्रिट है। ये फिर क्या आया, स्क्रिप्ट एरिया अलाउज यू टू बिल्ड योर प्रोग्राम। स्क्रिप्ट एरिया ये है, ये वाला स्क्रिप्ट एरिया। फिर आगे ब्लॉक्स आर कमांड्स और इंस्ट्रक्शन दैट आर यूज टू बिल्ड अ प्रोग्राम। ब्लॉक और ब्लॉक पैलेट और ब्लॉक डिस्क्रिप्शन एरिया। ये ब्लॉक पैलेट, ब्लॉक डिस्क्रिप्शन एरिया और ये ब्लॉक ही है। देखो ये ब्लॉक पैलेट हो गई, फिर ये डिस्क्रिप्शन एरिया पूरा ब्लॉक, ये पूरा ब्लॉक डिस्क्रिप्शन एरिया। और इंडिविजुअल जब आप बात करें तो ये ब्लॉक है ऑपरेटर, ये डिस्क्रिप्शन एरिया, ये ब्लॉक एरिया और ये ब्लॉक है, एक एक करके। ना ब्लॉक्स आर कमांड्स आर इंस्ट्रक्शन दैट आर यूज्ड टू बिल्ड ए स्क्रिप्ट। वी कैन एडिट द वैल्यू ऑफ ब्लॉक्स और सेलेक्ट एनी वैल्यू फॉर इट। ब्लॉक पैलेट डिस्प्ले द कमांड ब्लॉक्स, जो ब्लॉक्स दे रखे थे ना वो, दैट वी कैन यूज टू बिल्ड द स्क्रिप्ट। फॉर ए स्क्रिप्ट टू मूव ब्लॉक यू जस्ट क्लिक टू ब्लॉक एंड ड्रैग इट। नेक्स्ट है रिकॉलिंग कमांड ब्लॉक्स, मतलब पुराने ब्लॉक्स को यूज करना हो तो इसको यूज कर सकते। जैसे पहले कभी कोई ब्लॉक यूज करा, एज यू हैव ऑलरेडी लर्न इन प्रीवियस क्लास दैट कमांड ब्लॉक्स इन स्क्रेच आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक टू मेक ए प्रोग्राम स्क्रिप्ट। दे ऑल्सो यूज टू डिफाइन हाउ टू स्प्राइट शुड बिहेव और वॉट द स्प्राइट शुड ऑन द स्टेज।
कैसे उसको यूज करना है, इस कैसे यूज करना है, ये वाली बात है स्टेज की। ये स्प्राइट्स, नई स्प्राइट, और एरिया मैंने बता ही दिया, ये आ गया। बैकग्राउंड लाइक बैकग्राउंड ले लेते हैं, ये आ गया बैकग्राउंड। तो ये इस एरिया में आपको प्रोग्रामिंग होगा, जो भी स्टेजेस में इसी एरिया में प्रोग्रामिंग होगा आपकी। स्क्रिप्ट एरिया में ही प्रोग्रामिंग होगी। मोशन कैटेगरी ब्लॉक, अब मोशन कैटेगरी ब्लॉक यहां पे बता रहा हूं, इसको हटाते हैं, नहीं करते हैं। ये देखो अब डिफॉल्ट ये आया, ये मोशन। अब मूव 10 स्टेप्स, टर्न 15, ये मोशन की दे रखी है, ये 10 स्टेप्स, 10 स्टेप मूव होगा, इसका मतलब है 15 डिग्री राइट लेफ्ट पॉइंट इन डायरेक्शन 90 डिग्री, ये 90 डिग्री से कम करना हो ऐसे ही यहाँ पे भी कम ज़्यादा करना हो, पॉइंट टू वर्ड्स, गो टू एक्स वाई, गो टू माउस पॉइंटर, ये दे रखा है। प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, देखो ये आया ना मूव स्टेप्स, टू मूव स्प्रेड स्ट्राइप्स अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टेप्स इन द फॉरवर्ड, 10 डिफॉल्ट है उसकी, आगे या पीछे जाएगी वो डिफॉल्ट है, बाय डिफॉल्ट आगे जाएगी वो, 10 दे रखी है, माइनस 10 दे रखी है तो बैकवर्ड चली जाएगी। टर्न राइट टू राइट द स्प्राइट ए नंबर ऑफ डिग्रीज इन द राइट डायरेक्शन, ये राइट में जाएगी और ये लेफ्ट में जाएगी, 15 डिग्री बाय डिफॉल्ट दे रखी है, मैं बता देता हूँ एक बार और, ये 15 राइट में 15 लेफ्ट, ये डिफॉल्ट है, और पॉइंट इन डायरेक्शन 90 से कम ज़्यादा भी करना हो, चार ऑप्शन ही है आपके पास, 90 माइनस जीरो अप में जाएगा, 90 करेंगे तो राइट में जाएगा, माइनस 90 करेंगे तो लेफ्ट में, जीरो करेंगे तो अप, और 180 करेंगे तो डाउन, ये चारों बता रखा है उस पॉइंट में, उस पॉइंट का डायरेक्शन। अब सब अलग अलग कैटेगरी है, देखो पॉइंट टूवर्ड्स, टू पॉइंट द स्प्रिट्स फेस टूवर्ड्स द माउस पॉइंटर और अनदर फिक्स, पॉइंट टूवर्ड्स, टू पॉइंट द स्प्राइट्स फेस टूवर्ड द माउस पॉइंटर और अनदर स्प्रिट, इसको बता देता हूँ, गो टू एक्स वाई भी बता देता हूँ, माउस पॉइंटर, पॉइंट टूवर्ड्स आपको लेना हो, फिर है पॉइंट टूवर्ड तो आ गया माउस पॉइंटर, जहां से आपको लेना वो ले लिया, फिर गो टू एक्स वाई 30 और 116, ये बढ़ गया, फिर गो टू वाइट पॉइंटर रेंडम पोजिशन, गो टू माउस पॉइंटर, फिर एक ग्लाइड, टू ग्लाइड द स्प्रिट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर बाय यूजिंग एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, और इफ ऑन एज बाउंस, टू बाउंस द स्प्राइट बैक व्हेन इट टचेस, पहले ग्लाइड कर लेते हैं, ये रहा। अब जैसे एक्स की लोकेशन मान लो 36, मैंने ले ली x, इस पोजीशन पे चले गया,
गो टू ग्लाइड, मतलब जो एरिया देंगे वो उसी पे जाएगा। मैंने लिया 50, ये आ गया। चेंज एक्स पाई 10 की बजाय हमने ले लिया 25। हर बार वो 25 चेंज हो रहा है। सेट एक्स टू 150, ये 150 हो गया। फिर चेंज वाई टू 50, वाई एक्सिस हमेशा ध्यान रखना उसको बोलते हैं वर्टिकल को, और एक्स एक्सिस जो बोलते हैं हॉरिजेंटल को बोलते हैं। मैथ्स के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा ही होगा। इफ ऑन एज बाउंस, अब इसका मीनिंग देखते हैं। टू बाउंस द स्प्राइट बैक व्हेन इट टचेस द टॉप बॉटम और साइड एजेस। ये बाउंस में ये है टर्न, मतलब आप टॉप पे पहुंच गया तो फिर टर्न लेना, ऐसे ही बॉटम पे पहुंच गया तो टर्न लेना। ये तो इधर ही है ना, अब देखें ये आ गया, ये टर्न हो गया। जो टर्न नहीं हुआ था ना वो इसीलिए हुआ। फिर नेक्स्ट है लुक एट द कैटेगरी ब्लॉक। अब कैटेगरी ब्लॉक पे आते हैं अपन। चलो, टू एड ए स्पीच बबल टू सेव वर्ड्स फॉर ए नंबर ऑफ सेकंड। द ब्लॉक इन द लुक कैटेगरी हेल्प अस टू एड डायलॉग्स, चेंज कलर इफेक्ट, स्विच टू नेक्स्ट कस्टम, शो हाइड द स्प्राइट एंड डू मच मोर। वो कहाँ गया? लुक ये रहा, से हेलो 2 सेकंड के लिए, ये हेलो हेलो थैंक्स। थैंक्स थैंक्स उसके साथ आएगा शो हाइट, शो ये शो और ये हाइट। थिंक हो गया, हाइट शो हो गया, स्विच कस्टम टू टू स्विच अनदर कॉस्ट्यूम, चेंज अपीयरेंस ऑफ द स्प्राइट। चेंज अपीयरेंस, स्प्राइट का अपीयरेंस चेंज कर। ये और फिर आप टू ले लेंगे, ये चेंज हुआ और वन ले लिया, ये के चेंज है। इसको बोलेंगे स्विच कॉस्ट्यूम। आप प्रैक्टिकल करोगे तो आएगा। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं मैं, स्क्रैच डाउनलोड करना है,
और मैं आपको बता दूं इसमें पहले डाउनलोड करने के लिए, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकल तो करा रहा हूं पर ये स्क्रैच की वेबसाइट है, स्क्रैच MIT.MIT.edu में आप जाना, वहां आप डाउनलोड में जाना, ये डाउनलोड ये विंडोज और डायरेक्ट डाउनलोड स्क्रैच टू ऑफलाइन ऑडिटर, जैसे ये करेंगे ये डाउनलोड विंडोज पे गए, ये आपका डाउनलोड होता रहेगा। अभी मैं कैंसिल कर रहा हूँ। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, स्क्रैच डाउनलोड कैसे करना है बता दिया। स्क्रैच ऑफलाइन टू एडिटर के साथ एडोब AIR डाउनलोड भी करना है, और आपके घर पे सिस्टम में विंडोज है तो विंडोज स्क्रैच ऑफलाइन एडिटर ये, और स्क्रैच ऑफलाइन ये विंडोज एडोब AIR, ये दोनों करेंगे तो ये आपका काम चलेगा। अभी तो मेरा तो ऑलरेडी इंस्टॉल है, बस आपको मैंने बताया है, ये सारे ऑप्शन मैंने बता दिए से हेलो थैंक्स ये स्क्रैच का। आगे बढ़े, चेंज सेट बाय सेट साइट टू 100%, इसको भी रख लेते हैं, 100% को भी कर लेते हैं ये, और 100% से कम करना है 50%, ये कम हो गई उसकी, 150 करना है, ये बढ़ गई। जो साइज यहाँ लोगे बस वो यहाँ पट पटक दोगे उसको, बस ये ध्यान रखने वाली बात। गो टू फ्रंट बैक, आगे बढ़े, पेन कैटेगरी ब्लॉक क्लियर स्टेम पेन डाउन पेन अप टू क्लियर ऑल द पेन मार्क्स एंड स्टम्प्स फ्रॉम स्टेजेस। टू क्लियर ऑल पेन मार्क्स एंड स्टम्प्स फ्रॉम स्टेज, अब पेन ब्लॉक ले लेते हैं, ये रहा पेन ब्लॉक क्लियर स्टम्प। टू क्लियर ऑल पेन मार्क्स एंड स्टम्प्स फ्रॉम स्टेजेस, पहले अपन पेन का डेटा यूज करें या कुछ यूज करें तो ही तो समझ में आएगा। ये साउंड के लिए, कॉस्ट्यूम्स के लिए, वैसे यहाँ भी क्लियर दे रखा है, ये क्लियर ये रहा, ऐड करना इंपोर्ट करना ये लिया और ये क्लियर दे रखा है, वहाँ भी क्लियर है, ये क्लियर दे रखा है, ये क्लियर हो गया। क्या क्या है, क्लियर स्टाम्प पेन डाउन पेन, क्लियर ऑल पेन मार्क्स एंड स्टाम्प फ्रॉम स्टेजेस, उस पर क्लियर करने के लिए स्टाम्प टू मेक वन और मोर टेम्परेरी डुप्लीकेट इमेज ऑफ स्प्राइट। कहाँ गया पेन, फिर नेक्स्ट है
pen down to puts the sprite's pen down to draw on the stage, or pen up to pulls the sprite's pen up so that no line is drawn on moving the sprite. ये लिया, ओके okay. पेन अप पेन डाउन टू पुट द स्ट्रैप्स पेन डाउन टू ड्रॉ ऑन द स्टेज. ये दो इमेज बन गई. सेट पेन टू कलर. चेंज पेन टू कलर बाय 10. इससे कलर चेंज होगा. सेट पेन कलर टू 0. चेंज पेन शेड बाय 10. सेट पेन शेड टू. ये शेड करने के लिए, ये साइज करने के लिए पेन की साइज. सेंसिंग ये पेन बता रखा है तो यूज यही है. सेट पेन टू कलर. ये स्टेज बैकग्राउंड ऑप्शन, ये यहाँ, ये पूरा इस चीज के लिए ही आप यूज कर रहे हैं. जो आप एरिया देख रहे हैं ना, वो इसी एरिया के लिए देख रहे हैं आप. फिर नेक्स्ट है सेट पेन कलर टू सेट द पेन कलर विद ए कलर पिकर और टू वैल्यू ड्रॉ. चेंज द कलर, पेन का कलर, मतलब अल्टीमेटली वही वाली बात है. इसमें आएगा कि नहीं कलर, ये रहा, सॉरी ये दूसरा कलर आ गया, ये तीसरा कलर आ गया. जो कलर आप लोगे वो यहाँ आ जाएगा. चेंज पेन कलर टू 10. सेट पेन कलर टू. इसमें नंबरिंग से होगा. ये देखो नंबर से चेंज हो गया. ये नंबर से चेंज हो गया. फिर आगे देखें अपन एक्टिविटी. अब आप खुद करो. डबल क्लिक आइकॉन ऑन इट्स डेस्कटॉप आइकॉन एंड क्रिएट ए न्यू प्रोग्राम फाइल विद क्लिकिंग ऑन फाइल न्यू ऑप्शन. क्लिक ऑन कैटेगरी नेम लाइक मोशन लुक्स और पेन और ड्रैग द रिक्वेस्ट ब्लॉक टू स्प्राइट एरिया. स्नैप दिस ब्लॉक बाय द क्लिकिंग ऑन द स्क्रिप्ट एंड सी देयर आउटपुट. अब ये डुप्लीकेट वगैरह बनाना है तो मैं आपको बता देता हूँ. जैसे नई फाइल बनाई मैंने, ये लिया, ये डुप्लीकेट, सॉरी वो हट गई है. वापस नई फाइल बनाते हैं हम और ये डुप्लीकेट. ये डुप्लीकेट बन गई. और क्या बोला था उसमें, मोशन लुक पेन और ड्रैग एंड ड्रॉप द रिक्वेस्ट ब्लॉक टू स्प्राइट एरिया. स्नैप दिस ब्लॉक्स विद ईच अदर टू मेक ए प्रोग्राम स्क्रिप्ट शोन बिलो. अभी अलग अलग है, मैं एक बार और चला के बता देता हूँ आपको. ये एक्स पोजीशन दे दी, ये वाई पोजीशन दे दी.
नेक्स्ट है टू ड्रॉ ए कलरफुल लाइन, मेक दिस स्क्रिप्ट वन वायर रन. क्लिक ऑन कैटेगरी नाम मोशन लुक्स और पेन एंड ड्रॉप एंड ड्रैग एंड ड्रॉप एंड रिक्वेस्ट ब्लॉक टू स्क्रिप्ट एरिया. ये पेन लिया. ये बना, वो लाइन बनी थी. और क्या बोला था हमने? आउटपुट उस पर दिख ही रहा है आउटपुट. इसी तरह से वो सारी एक्टिविटी परफॉर्म होगी ब्लॉक की पेन की. अब इसमें क्लियर होगा तो ये क्लियर हो जाएगा. पेन ये रेक्टेंगल, ये आ गया. यही वाला करा अपन ने बनाया, उसमें इफेक्ट इधर दिखेगा. तो हमने स्क्रेच देखा है स्टेज है, मतलब बनाते हैं हम राइट साइड में स्क्रिप्ट एरिया में बनाते हैं और स्टेज पे डिस्प्ले होता है. ये स्क्रिप्ट एरिया में बनाते हैं और स्टेज पे डिस्प्ले होता है. ये क्लियर, ये क्लियर होगा, उसका इफेक्ट में ही दिखेगा. कॉस्ट्यूम से लेंगे पेन, पेन चलाएंगे वहां पे और उसका जो डायरेक्शन सेट होगा वो पीछे से होगा. तो आप डाउनलोड करो उसको और उस पर प्रैक्टिस करो. प्रैक्टिकल करोगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा. हमने एक एक्टिविटी परफॉर्म करी, साउंड वाली एक्टिविटी भी मैंने आपको चलाई है. आप ध्यान दिए, जब वीडियो सुनेंगे तो उसमें दिखेगा आपको साउंड. टेम्पो वगैरह वो आगे के वेरिएबल है, वो हम देखते हैं. प्रैक्टिकल अप्रोच वाला है ये. तो मेरे ख्याल से इतना ही है. मैं आपको फिर से बताता हूँ, ये स्टेज एरिया, स्क्रिप्ट एरिया. भाई आपका ये स्क्रिप्ट एरिया होता है और ये स्टेज आता है. इस पे जो लिखते हैं वो इस पे आता है और बाकी ब्लॉक पैलेट्स वगैरह, ये ब्लॉक पैलेट्स आ जाती हैं. बैकग्राउंड लेना हो तो बैकग्राउंड भी आएगा. जैसे बैकग्राउंड अगर आपको लेना हो, ओके, ये बैकग्राउंड भी आ गया. उसमें भी कुछ लेना हो तो सारे इफेक्ट यही दिख जाएंगे. अच्छी चीज है ये. बीएमपी में कन्वर्ट करना तो वो फैसिलिटी भी रहती है. ठीक है, आज के लिए अब अपन इतने रखते हैं. कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिखें, कमेंट में जरूर लिखें. ये प्रैक्टिकल कराया मैंने, सबसे पहले स्क्रेच डाउनलोड करें, एडोब एआई डाउनलोड करें, उसके अकॉर्डिंग आप काम करें. आज के लिए इतना ही, थैंक यू. कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, व्हाट्सएप पे अपना नाम और क्लास लिख के भेज सकते हैं.